बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रविंद्रनाथ मिश्रा को हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ये सुनवाई छपरा के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने की। 33 साल पहले छपरा के मांझी में चुनाव के दौरान बूथ कब्जा करते वक्त एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई थी। ये मामला साल 1990 के विधानसभा चुनाव का है। हत्या मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से पूर्व मंत्री रविंद्रनाथ मिश्रा और उनके भाई हरेंद्र मिश्रा पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। 27 फरवरी 1990 को मांझी प्रखंड के बूथ संख्या 175 और 176 पर बूथ लूटने की मंशा से कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। इस दौरान विधायक और उनके आदमियों के द्वारा गोलीबारी की गई थी, जिसमें उमाबीन नामक एक व्यक्ति की गोली लगने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। जिसके बाद इस मामले में बूथ संख्या 175 के पीठासीन अधिकारी प्रणय कुमार मलिक और बूथ संख्या 176 के पोलिंग एजेंट महेश प्रसाद यादव द्वारा मांझी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें।